अच्छा जी हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल बिलाल एंड यू आर वाचिंग आई दिस इज द सेकंड एपिसोड ऑफ आवर एथियज़म सीरीज हमने पिछले वाले एपिसोड में कैजुअली इंट्रोड्यूस किया था इज ठीक है जो सा रोस्ट भी किया था उनको और हमने जो है मैंने एक छोटा सा टेस्ट दिया था ऑफ व्हाट आर्ग्यूमेंट्स आर एंड लाइक टू एन एथियस्ट बिफोर आई मूव ऑन दो चीज़ें बताता हूँ पहली चीज़ तो ये तो है कि दिस इज द टेक टू ऑफ़ दिस वीडियो ये दूसरा टेक है पहला टेक मैंने किया था एंड गॉड्स स्कैम्बल्ड। ठीक है ना वो गुच मुझे हो गया चार दिशाओं में मैं इकट्ठे गया और चारों को ही ना कर पाया और इट वेंट ऑल ओवर द प्लेस बट अन लाइक एन एथियस्ट अन लाइक एन एथीएसट आई एम ह्यूमन इनफ एडमिट माई एरर एट एड के एट टाइम्स आई डोंट नो हाउ टू डू स्टफ एट एट टाइम्स आई कैन फील एट ए टाइम्स आई एम नॉट आई डू नॉट है परफेक्ट आंसर और द परफेक्ट एग्जीक्यूशन टू द क्वेश्चन एनी हाउ दूसरा पार्ट ये है कि मैंने पिछली वीडियो में बात की इस वीडियो में बात करूँगा कि जब मैं एथियस्ट की बात करता हूँ तो मैं जनरली उस एथियस्ट की बात करता हूँ जो कॉन्शियसली अपनेटिफाई करता है एज समन हु इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड यू नो खुदा समझ ना आना खुदा से रिश्ता ना बन पाना खुदा से कोई शिकवा होना नाराज़गी होना ठीक है किसी कोई ख़ास पर्सनल मैटर में खुदा आपको लगा आपने खुदा से अल्तजा की और आपको लगा खुदा ने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया और आप नाराज़ हो गए या कोई ख़ास ऐसा मैटर हो इसमें आपको लगे कि आपने खुदा को बुलाया पुकारा और आपको लगे कि उसने रिस्पोंड नहीं किया और आपकी खुदा से नाराज़गी हो गई ठीक है ना वो एक लहदा मैटर है ठीक है आई हैवेन्स एम्पथी फॉर दोस्त जिनको खुदा समझ नहीं आया चूँकि खुदा समझना एक मोबिन की एक इंसान की मराज है ठीक है ना, एक इंसान की पीक, पीक of consciousness है पीक ऑफ कॉन्शियसनेस है खुदा को समझना और उससे पीक ऑफ कॉन्शियसनेस है खुदा के अहकाम को समझना खुदा की फितरत इंसानी के थ्रू खुदा को समझना एनी हाउ और मसला भी ये है एथिज़म का मेन मसला भी ये है कि एथीज़म एक दायरा तो बना लेंगे कि खुदा को नहीं मानते लेकिन खुदा को नाम मानने में दो तीन चीज़ें हैं फलसफे के लिहाज से एक चीज़ है खुदा को नाम मानना अपने तकबर की वजह से नहीं है ठीक है ना उसमें आप फुल स्टॉप लगाते हैं उसमें आप प्रोबेबिलिटी को भी ख़त्म कर देते हो कि शायद शायद हो मुझे समझ न आ रही हो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना ये बहुत, बहुत 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 बड़ी प्रोबेबिलिटी है ठीक है दैट्स अ ग्रेट पॉसिबिलिटी नोट इज़ अ ग्रेट अ पॉसिबिलिटी और जब आप इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म करते हो कि मुझे पता है खुदा नहीं है तब तब आप बनते हो एथीज एथीजम से भी बढ़ के घुबरा ही है वो मिस होतेजम जब आपको खुदा से नफरत हो जाती है जब आपको थीज़म से खुदा को मानने से नफरत हो जाती है और वो है कैंसर और जो मेरी वीडियो का जो रवैया है जो तरीका है मैं तीन मेडिसिन इसी पर लगा लिए ठीक है लेकिन लेकर जरूरी है बात समझाना फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स टू कम इसी में बिल्डअप होंगे के मेरी जो सख्त रवाज और मेरा जो, जो जुगद होती है जो मेरा रोस्ट होता है मेरा होता है उस बंदे के लिए जो खुदा से हेटर रखता है ठीक है उस बंदे के लिए नहीं जो खुदा को नहीं मानता खुदा को मान लेगा बाद में यू हैव टाइम हैव द प्रोबिलिटी हक फॉर टू एब्रेस यू मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तला सबको इस हक से नवाजे इस मराज से इस मराज से नवाजे खुदा को समझ सके और समझ के खुदा को जो है ना वर्शिप करें एनि हाँ एथीज़म के जो चार मॉडर्न हजतें हैं ना या फिर चार पापा हैं एक एथियस्ट के मॉडर्न डे के वो है सैब हेरिस रिचर्ड डॉक्न क्रिस्टफर रिचर्ड्स और डैनियल डेनट ठीक है ये चार पापा हैं एक मॉडर्न डे एथियस्ट के और इन चारों पापाओं को जिनका मैं जिक्र किया जिनका ना नाम गिनाया इन चारों पापाओं की किताबें हैं और जो आपको एथियस्ट मिलने वाला वो कम उमेश नाइन्टी नाइन परसेंट इवन मुझे तो याद भी नहीं आ रही कोई एक्सेप्शन अभी शायद कोई हो शायद लेकिन कोई भी आपको इस मिलेगा ना वो इन में से किसी किताब से ही कोई आर्ग्यूमेंट देगा और ये जो किताब के आर्ग्यूमेंट्स हैं ये भी कोई नए नहीं है अगर आप अपनी ज़रा याददाश्त कमाएँ और थोड़ा सा इस्लामिक लिटरेचर पढ़ें बाप जाफ़र सदादे के आर्ग्यूमेंट्स पढ़ें बाबू मरीफ़ा के आर्ग्यूमेंट्स पढ़े इमरसी के आर्ग्यूमेंट्स पढ़े ठीक है और बाकी स्कॉलर्स के आर्ग्यूमेंट्स पढ़े आपको समझ आएगी कि ये वही वाली बातें हैं बस थोड़ा सा ना मॉडर्न लिंग्विस्टिक कर दी और थोड़ा सा ना सेकुलरिज्म डाल दिया बीच में और थोड़ा सा लिबरज्म डाल दिया बीच में थोड़ी सी मॉडलिटी का जिसका तरक़ा डाल दिया बातें आर्ग्यूमेंट्स वही है इनके भी वही है पापाओं के भी वही है और पापाओं से जो सीखते हैं बच्चे उनके भी यही आर्ग्यूमेंट्स हैं ठीक है मैं अभी किसी आर्ग्यूमेंट पर नहीं आऊँगा ना किसी किताब में आऊँगा मैं बस बता तो आपको ओवरव्यू दे इस मकसद इस वीडियो का रिश्त की आपने किताब सुनी होगी गॉड ड्यूजन के नाम से आपने क्रिश्नफर्चन की किताब सुनी होगी गॉड इज नॉट ग्रेड के नाम से आपने डैनियल डेलिट की किताब सुनी होगी ब्रेकिंग द स्पेल के नाम से और आपने सेम हैरी की से किताब सुनी होगी एंड ऑफ फेथ के लिहाज से इन सारी किताबों की बातें जो है ना लम्बो लवाब लम्बो लवाब अगर आपने देख सुनता है ना वही बात है किताब को एक हर किताब को हर किताब पे खास वीडियो ही बन सकती है लेकिन ज़रूरत नहीं है सच्ची बात जो है ना वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि चंद आर्ग्यूमेंट्स सारी किताबों के सारे आर्ग्यूमेंट्स को आप रद्द कर सकते हो ठीक है ना तो ये है इंटलेक्चुअल कैपेसिटी कि चंद आर्ग्यूमेंट से दो चार आर्ग्यूमेंट्स से ठीक है ना मोरलिटी के आर्ग्यूमेंट से और इंटेलिजेंट डिज़ाइन के आर्ग्यूमेंट्स से और साइंटिसिज्म के आर्ग्यूमेंट से आप सारे किताबों के सारे आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दे सकते हो मैं अभी नहीं करूँगा वो मैं बस ये बताऊँगा कि सारी किताबों में जो ना आनाम बातें यही हुई हैं कि इस्लाम बहुत बार है बहुत सख्त है कुरान बहुत अरेबिक अरेबिक वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस्ड है ठीक है कुरान की लिंग्विस्टिक माजला जो बातें लिखी हुई है कुरान एक अपसर्ड गॉड ने लिखा हुआ है एब्रोलॉजी के मसले हैं उसमें कुरान कहता है छेदन में दुनिया तो कैसे बन गई छेदन में तो बनी ही नहीं हालांकि साइंस में कहती है छेदन में बनी ही नहीं ठीक है और इस्लाम की बातें बहुत पुराने ज़माने की है अरब से इन्फ्लुन्सड है अरब के ज़माने की है अरब के नॉलेज की है इस्लाम अपडेटेड है एक्सेट्रा बातें यही है ठीक है खुदा जो है इतना अगर अच्छा है इतना नहीं इतना ग्रेट है इतना मर्सीफुल है तो बच्चे बीमार क्यों होते हैं कैंसर क्यों पैदा होता है बच्चों को एक्सेट्रा बातें वही सारी क्लेशियस हैं ठीक है मैंने थोड़ा नहीं थोड़ा नहीं सबको जो है ना व्यू किया था ओवर किया ओवरव्यू ही है लेकिन थोड़ा नहीं ओवरव्यू किया मैंने किया यार कोई शायद कोई ऐसी बात हो कि हम हिल जाए देखो ऐसी खास आर्ग्यूमेंट नहीं बना अब सीन पता है क्या है मैं वन बाय वन इन बातों का भी जवाब दूँगा एंड पे कि अगर खुदा तरह है तो बच्चों में कैंसर क्यों होता है ठीक है इस बात का भी जवाब देंगे इस बात का भी जवाब देंगे कि इस्लाम कुरान में जो एब्रोलॉजी की बात है वो कैसे साइंटिफिकली इनकोनेक्ट है बाजल ठीक है और इस बात का भी जवाब देंगे कि छः दिनों का क्या मतलब है इस तरह के जितने भी आर्ग्यूमेंट उनका जवाब देंगे ठीक है देंगे इन शी वीडियोज़ में अभी मेन मुझे पता है मसला क्या है इन लोगों से इन लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये एक वक्त में सेकुलरिस्ट भी बनते हैं एथिस्ट भी बनते हैं साइंटिस भी बनते हैं नेचुरलिस्ट भी बनते हैं अब बिफोर यू इफ यू डोंट नो सेकुलरिस्ट इज सम हु हुपोर्ट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म सेक्ुलरिज्म वो गवर्नमेंट की बॉडी होती है जो रिलीजन के इन्फ्लुएंस से दूर होती है मतलब उसमें रिलीजन जो है ना इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नहीं होता ठीक है दैट सेकुलरिज़म और साइंटम तो वो बंदा होता है या वो चीज़ होती है जो फ़कत फ़कत एम्पेर इंपेरिक, एम्पेरिकल रिसर्च को बनाते हैं अपना मैार और अपनी हजत कि कोई चीज़ इम्पेरिकल रिसर्च से साबित हो रही है तो वो है जो कोई चीज़ नहीं साबित हो रही है तो नहीं है हर किस्म का कशफ़ ख्वाब ठीक है वही उसको रद्द कर देते हैं कि भाई नहीं चूँकि ये हमें नज़र नहीं आ रहा दिख नहीं रहा इस पर रिसर्च नहीं कर सकते ब इसको इवॉल्व तो होते हुए देख सकते इसलिए ये चीज़ हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे ठीक है और नेचुरलिज्म भी यही चीज़ है कि हर चीज़ दुनिया में इसको हम देख सकते हैं इन्वॉल्व होते हुए इस पर स्टडी कर सकते हैं सिर्फ वही नॉलेज है ठीक है और उसे उस, उसी के थ्रू नॉलेज को उस उस रास्ते के थ्रू हो आना पड़ेगा उस लेंस के थ्रू हो आना पड़ेगा फॉर एन एथियस टू तो एक्सेप्ट इट अब मसले की बात ये है फॉर एन एथियसट मसला पता है क्या है आप एक ऐसी से बात नहीं कर सकते मैं एक ऐसी से बात नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ठीक है ये ये एक ऐसी फजूल बात है ना कि मुझे समझ नहीं आती मैं कभी कि किसी किसी ऐसे से मुलाज़मा हो ना मेरा तो मुझसे बात ही क्यों करते हैं इस बारे में कि नबी की शरीयत और औरतों का सलूक और औरतों पर अहकाम फलाह टमका इतनी आगे की बातें क्यों करते हैं मुझसे उनके पास तो कुछ है ही नहीं बात उससे देखो बा, बात बात का जिसल ही है दलाइल उसको मिलते हैं जिसके पास कोई सर्टन कोई डिस्क्रीट कोई एब्सोल्यूट चीज़ हो ठीक है ना एक मुसलमान किसी हिंदू का रद्द कर रहा है कोई हिंदू मुसलमान का रद्द कर रहा है कोई यहूदी मुसलमान कर रहा है कोई मुसलमान यहूदी का रहा है समझ आती है एटलीस्ट के कोई एक बुनियादी फ्रेमवर्क है कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिस पे ये लोग इतफाक़ करते हैं और जिससे ये लोग हिलेंगे नहीं जब किसी पार्टी के पास वो फ्रेमवर्क ही नहीं है बुनियादी तो वो हवाई है वो तो कुछ भी कह देगी कल कुछ भी स, किसी से भी चीज़ से भाग भी जाएगी ठीक है वो किसी चीज़ को भी मान लेगी किसी चीज़ को भी ना किसी चीज़ से भी फरार फना लेगी मैं पागल उससे पास करूँ मेरा अपना टाइम ज़ाया होगा ठीक है ना मेरे पास तो कुरान है मेरे पास तो असटल चीज़ है एबसलूट चीज़ है तो वो तो कुरान से निकाल लेंगे चौदह साल बाद भी तीन साल बाद भी दो हज़ार साल बाद भी इवन कि भाई कुरान में ये लिखा है बहस करूँगा उनका तो एक ऐसे तो बहस बनती ही नहीं कि भाई तू पहले कुछ अपना डिस्क्रीट लेके तो आ और मसला ये डिस्क्रीट लेके आ ही सकता है ये चूँकि इनका डिस्क्रीट कुछ हो ही सकता क्योंकि ये लोग मानते हैं नेचुरलिज्म को साइंटिसिज्म को क्योंकि ये मानते हैं कि इंसान की इल्म और हिकमत और रिसर्च और समझ जो है ना वो फ़कत और मोहताज है एम्पेरिकल रिसर्च के जब ये लोग ये बात करते हैं तो ये लोग हर उस चीज़ को जो रिजल्ट नहीं आती जो समझ नहीं आती इसका प्रोसेस नहीं देखा जा सकता उससे रद्द कर देते हैं उससे बरात कर देते हैं चाहे वो कॉन्शियसनेस हो तो इनको नहीं पता कॉन्शियसनेस क्या है ठीक है कि बस एक कुछ एब्स्ट्रैक्ट थाट्स हैं लेकिन उनको नहीं पता डिस्ट्रिक्ट में इम्पेरिकल रिसर्च से वाट कॉन्शियसनेस इज़ डे डू नॉट नो वट कॉन्शियसनेस इज़ ठीक है इसी तरह मॉरेिटी इनके पास नहीं है क्योंकि मॉरेलिटी कैसे आप करोगे इम्पेरिकल रिसर्च से नहीं साबित कर सकते हैं अब तो बात सारी ये है कि हमारे पास तो सिंपल सा अल्लाह तलाूद है ठीक है एब्सोल्यूट इट्स इट्स द वे इट मोरलिटी मोरलिटी आई हुई है अल्लाह की तरफ से डिवाइड आपकी तरफ मोरालिटी आई नहीं हुई मोरालिटी एक एवोल्यूशन क्वाल्टली उसकी एवालविंग प्रोसेस है जस्ट लाइक साइंस तो जो इस तरह का प्रोसेस है तो कोई गलत कोई सही हो कर सकता है इसमें ठीक है अब चलो आपने ये भी मान लिया कि आपने यूटिलिटेरियन इज उसपे उस पर प्रिंसिपल्स पे एग्री कर लिया और आपने एग्री कर लिया कुछ प्रिंसिपल्स पे फॉर द टाइम बिग ठीक है एक स्टेट को मरतब करने के लिए लेकिन कोई अगर उसको ना माने तो क्या क्या बुराइए उस पर कैसे कैसे वो बुरा होगा कैसे वो एक रिवेलियस आउटकास्ट होगा कैसे किस असूल से ठीक है मेजोरटी के खिलाफ जा रहा है अब मेजोरटी के ख़िलाफ़ जाना कौन सी बुराई है ये किस तरह साबित करोगे तो बात वही है कि एक हवाई कॉन्सर्ट में एक और हवाई कॉन्सर्प्ट डाल दो तो डैट डज नॉट मेक द फर्स्ट कॉन्सेप्ट मजबूत ठीक है ना फाइव हज्रेड थाउजेंड मल्टीप्लाई में जीरो कर दो वो रहेगा ज़ीरो ही चूंकि बुनियाद ही जीरो है ठीक है तो जितने मर्जी ऊपर डालते रहो रसूल तो पेल पेल एंड दे क्यों मानूँ मैं तो जब मेरी मॉरल्टी सब्जेक्टिव है जब मेरी कोशिश सब्जेक्टिव है और जब ये चीज़ बुरी भी नहीं है आपके मुताबिक दैन तो वाई डज इट ऑल मैटर ठीक है हाउ एंड वाई आई इवन केयर और मैं अगर इथियसट हूँ तो मैं किस मुंह से किसी के और के दीन पर किसी और मतलब मैं बात करूँ जो मेरे पास है ही कुछ नहीं खुद का ठीक है जब मेरे अपने मुताबिक को बुरे भी नहीं है वसी, ता, वसी, ता, वसी बात तो या तो होता है कि इस तरह मस्लाम हमारे मुताबिक उसमें है गुमराहि में है गलती में है इस इस, इस हालत में अगर मरे तो जहन्नम में जाएंगे हमारे मुताबिक है ऐसा हमारे मुताबिक जो है यहूदी गलती पे है हमारे मुताबिक हिंदू गलती पे है तो हम उस पर लड़ते हैं असूल है सूल एक तो माँ और अब क्रटिसाइज़ कर लेते हैं ठीक है ना हम उनको आ, उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं नसीहत करते हैं उनको एक असूल से जब मेरे पास कोई असूल नहीं तो मैं किस मुँह से किसी को क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो कह साले तू क्या मसला है भाई आपको किस मुँह से कर रहे हो ठीक है साबित करो आप अपने 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 असूलों से साबित करो मैं गलत हूँ नहीं कर सकते साबित ठीक है तो ये मसला है इन लोगों का कि हवाई बातें हैं और हवा पे हवा पे हवा पे हवा पे हवा हवा एक्स 5000 स्टिल हवा ठीक है एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह टिल देन खुदा हाफिज़